अगर रिलेटेड करूं तो ये मैं अपने ग्रीक क्षेत्र की ही बात कर रही हूं जहां मैं हूं इस वक्त, तो हमारे स्कूल में एक भी टीचर इस वक्त साइंस सकाई के नहीं है। मैं खुद जाके रेजोल्यूशन कई बार देके आई हूं, और लेकिन उस पर कोई सरकार के कान पे मुझे नहीं लगता कि जो भी रहेंगी होगी। और हमारे खुद के बच्चे यहाँ से तांदी के लिए जा रहे हैं क्लासेस लगाने के लिए, और कई ऐसी समस्याएं आप जानते हैं कि ये निथर जो जगह है वो बहुत सेंटर पॉइंट है। हमारे पास यहाँ पे शौचालय तक नहीं है, लेकिन अब कहीं जाके थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है शौचालय की। और मैंने एक नेशनलाइज बैंक की भी मांग रखी थी। आप अच्छे से समझ सकते कि बीमारी का तो कोई टाइम नहीं है, वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बैंक की एक टाइमिंग है जो 10 से 5 रहती है। मैंने सरकार से मांग की थी कि हमें यहाँ पे एक ATM दे दिया जाए ताकि लोग जब चाहें ऐसी बीमारी पे जा सकें और अपने पैसे निकाल सकें। तो इन चीज़ों पे अगर मैं आती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इन चीज़ों पे काम करें। और मैं आपको बात बताऊँ, हम लोग एक ये पंचायत में रह के मैंने एक और चीज़ सीखी है कि हम लोग BPL की बात करते हैं, BPL की जो सूची होती है, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मेरे पास 117 है तो मेरे पास 117 ही रह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो बढ़े, हम अपनी मर्जी से तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं उसको बढ़ाना भी नहीं चाहती हूँ, मैं इसको कम करना चाहती हूँ। कम कैसे करेंगे, वो जो BPL में जो लोग हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करें, ताकि उसमें से कम एक नाम कम हो, या फिर वो दूसरा पीछे से आगे की तरफ को आ सके, जिसे उसे जिस इंसान को फिर से उन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह वैदिक, मेरे सहयोगी गब्बर सिंह वैदिक के साथ। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, या उन्हें कोई नहीं जानता है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे केंद्र स्तर पर महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, क्या अक्सर में जो महिला सशक्तिकरण है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, क्या ऊपर लेवल में वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे आज जो महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है, या तो महिला मंडल तक या सेल्फ हेल्प ग्रुप तक, हाँ अगर हम पंचायती राज में हम इसकी बात करें तो वहाँ पर महिला के लिए जो लगभग 30% जो आरक्षण दिया जाता है वो मिल रहा है। लेकिन आज एक विचारणीय विषय है, विचारणीय विषय यो है, जो हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं या हमारे पार्लियामेंट्री के चुनाव होते हैं, वहां पर जो महिलाओं के लिए 30% कोटा निर्धारित किया गया है वहां वो नहीं दिख रहा है। आज जो आनी विधानसभा क्षेत्र है, आनी विधानसभा क्षेत्र को आज तक निथर के वासियों ने ही उस पर कब्जा किया है, चाहे पूर्व में रही कांग्रेस सरकार चाहे रही भाजपा की सरकार। क्योंकि निथर के वासियों ने इसलिए कब्जा किया है क्योंकि आनी हो चाहे निर्मल हो, ये बिल्कुल मिडिल स्तर पर ये गांव बसा है, जो तहसील का इसके लिए दर्जा दिया गया है, यहीं से ही पूरी आनी विधानसभा की राजनीति घूमती है। तो आज महिला सशक्तिकरण का एक जो संदेश दिया है सरोज बालाजी, जिनसे हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सरोज बालाजी वो शख्स है जो दूसरी बार प्रधान बने हैं, लेकिन इन्होंने अपने पंचायती राज में ऐसे कार्य किए हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण हो चाहे कोई भी ऐसी अन्य कार्य हो, इन्होंने आज आनी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए ताल ठोकी है। जब हमें प्राप्त सूचना मिली है कि इनका नाम अंतिम 3 में गया है, ये आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। हम बातचीत करेंगे सरोज बालाजी। सरोज बालाजी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। अपने बारे में बताएं, आपकी शिक्षा कैसी रही और आपने किन किन एक्टिविटीज में पहले भाग लिया, आप दूसरी बार पंचायत के प्रधान है, इस बारे में बताएं। वैदिक जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके जो न्यूज चैनल है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, सॉरी, उसका स्वागत करती हूँ। और अब रही बात एजुकेशन की, तो एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो ये जो राजनीति का एक सफ़र रहा है, ये मेरे घर से ही रहा है, आप ये मान के चलें। मेरा जो पारिवारिक माहौल रहा है वो थोड़ा राजनीतिकमय रहा है। मेरे जो मॉम हैं वो भी प्रधान रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक वो सक्रिय रहे हैं राजनीति में, तो एक माहौल ही ऐसा बना रहा। हम ये राज साहब को देखते हुए, एक तरह से मैं आपको बात बताऊं, पली बड़ी हूँ, उनको देखते हुए राजनीति की तरफ मेरा भी शौक उजागर हुआ। उसके बाद 2016 में मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा और प्रधान बनी, अभी भी कंटिन्यू हूँ। तो बाकी अगर आप कार्य की तरफ बात कर रहे हैं, तो कार्य को लेके तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सोशल वर्क को लेके अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं,
सोशल वर्क से लेकर मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर कहीं किसी आदमी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो हम लोग लेके जाते हैं। और ब्लड डोनर भी हूँ और 22 टाइम कर चुकी हूँ और अभी आगे भी करती रहूँगी जब तक मुझे लगेगा। प्रधान जी, जैसे आपका पिछला कार्यकाल रहा, एक महिला होने के नाते आप दूसरी बार प्रधान बने, अक्सर पंचायती राज में एक प्रधान को दूसरी बार रिपीट कर पाना एक महिला के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने ये चीज कैसे की? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं देहरा की समस्त जनता का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक बार तो उन्होंने मौका दिया ही दिया, उन्होंने मुझे दूसरी बार भी अपना जनादेश देकर इस कुर्सी पे बिठाया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और अपनी तरफ से मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं अपनी जनता से किसी तरह की कोई शिकायत ना आए उनकी तरफ से मेरे प्रति, और कार्य को लेके हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, एक टीम वर्क को लेके मैं चलती हूँ। तो हम लोग तत्पर रहते हैं हर वक्त पंचायत के लिए, हर कार्य करने के लिए, और काम को लेके जितने भी हम लोग कार्य किए हैं, वो चाहे आप लाइट से रिलेटेड है, चाहे रोड से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, या किसी के पर्सनल इश्यूज हैं, वो हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि हम उनको पूरी तरह से निभा सकें। जैसे महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें की जाती है, महिला सशक्तिकरण जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि सिर्फ महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप या पंचायती राज तक ही सीमित है, लेकिन जो ऊपरले लेवल में, विधानसभा लेवल में या पार्लियामेंट्री लेवल में ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपने भी कांग्रेस की ओर से आवेदन किया है? देखिए, महिला मंडल तक या राजनीति तक अगर आप इस चीज को कह रहे हैं कि एक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि ये पहल राजीव गांधी जी की दूरगामी सोच की वजह से थी। उन्होंने, आज अगर मैं इस कुर्सी पे हूँ तो फिर उन्हीं की वजह से हूँ, उन्होंने ही हमें ये 30% जो है राजनीति में भागीदारी दी थी, ये सोच के कि महिलाएं बाहर आए और उनके सशक्तिकरण का पता चले। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ वैदिक जी, आज भी ऐसा नहीं है, आज भी हम लोग 30% कहीं बाहर नहीं है। और कागजों में तो अगर मैं आपको बात बताऊँ, एक है कि भाई ये 33 है और हम लोग 33 भी कहीं नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां महिला ने अपनी जगह न बना के रखी हो। आप हेल्थ को लेके बोले, आप किसी भी, मतलब आप ये मान के चले कि किचन से लेकर आज पार्लियामेंट्री तक हम लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो मैंने ये पहल की है और सभी माताओं बहनों से और युवाओं से, सभी लोगों से मेरा निवेदन भी रहेगा कि वो मुझे एक मौका दें विधानसभा का, क्या बोलते हैं, सेवा करने का। तो मैं ये समझती हूँ कि हर महिला को, हर महिला जिसमें एक कोई खूबी है, अपने आप को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। और ये मेरी हाथ जोड़कर, हमारी जो अध्यक्षा है रानी प्रतिभा सिंह जी, वो भी एक महिला है, मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी कि इस बार महिला को मौका मिलना चाहिए। प्रधान जी, जैसे आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है, आपने अभी ताल ठोकी है कांग्रेस की ओर से टिकट की दावेदारी की है, बिल्कुल। अगर हाईकमान आपको टिकट देता है, यहाँ देखिए धरातल पर हम भी बहुत दिनों से वर्किंग कर रहे हैं, शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है, सड़कों की हालत बदतर है, बागवान परेशान है, यहाँ उनको सही रेट नहीं मंडियों में मिल रहा है। अभी एक खेक्सू की भी न्यूज लगी थी कि 2 करोड़ लेके आरती वहां से भाग गया है, लेकिन जो किसान दिन रात मेहनत कर रहा है उस सेब को तैयार करने के लिए पूरी साल की कमाई, अपना श्रम उसमें लगा देता है, तो अगर आपको टिकट मिलता है या आप विधायक बन जाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या वक्तव्य रहेगा? वैदिक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप कार्य को लेके बात करें तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक नीड हमारी 3 चीजें होती है। वो बेसिक नीड में हमारा था हेल्थ, एजुकेशन और आपका ये सड़कें वगैरह। तो मैं अगर आती हूँ, मैं पहले तो इन्हीं 3 कामों पे अपना कार्य करना चाहूँगी। हम हेल्थ के क्षेत्र को अच्छे से संवारना चाहते हैं। मैं अपने गृह क्षेत्र की बात करूँगी कि इस वक्त हमारे पास पीएससी से सीएससी कर दिया गया है, लेकिन विदाउट एनी पोस्टिंग। अभी हमारे पास, अगर मैं आपको बात बताऊँ तो हमारा तो जो हॉस्पिटल है वो तो पीएससी के लायक भी नहीं है, वहाँ हमारे पास पैरा स्टाफ नहीं है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ, एजुकेशन से अगर रिलेटेड करूं तो ये मैं अपने गृह क्षेत्र की ही बात कर रही हूं जहां मैं हूं इस वक्त। तो हमारे स्कूल में एक भी टीचर इस वक्त साइंस सकाय के नहीं है। मैं खुद जाके रेजोल्यूशन कई बार देके आई हूं और
लेकिन उस पे कोई सरकार के कान पे मुझे नहीं लगता कि जो भी रहेंगी होगी, और हमारे खुद के बच्चे यहाँ से तांदी के लिए जा रहे हैं क्लासेस लगाने के लिए, और कई ऐसी समस्याएं आप जानते हैं कि भी निथर जो जगह है वो बहुत सेंटर पॉइंट है, हमारे पास यहाँ पे शौचालय तक नहीं है, लेकिन अब कहीं जाके थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है शौचालय की, और मैंने एक नेशनलाइज बैंक की भी मांग रखी थी। आप अच्छे से समझ सकते कि बीमारी का तो कोई टाइम नहीं है, वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बैंक की एक टाइमिंग है जो 10 से 5 जाती है। मैंने सरकार से मांग की थी कि हमें यहाँ पे एक ATM दे दिया जाए ताकि लोग जब चाहें ऐसी बीमारी पे जा सकें और अपने पैसे निकाल सकें। तो इन चीज़ों पे अगर मैं आती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इन चीज़ों पे काम करें। और मैं आपको बात बताऊँ, हम लोग एक ये पंचायत में रह के मैंने एक और चीज़ सीखी है कि हम लोग BPL की बात करते हैं, BPL की जो सूची होती है, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मेरे पास 117 है तो मेरे पास 117 ही रह रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो बढ़े। हम अपनी मर्जी से तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं उसको बढ़ाना भी नहीं चाहती हूँ, मैं इसको कम करना चाहती हूँ। कम कैसे करेंगे? वो जो BPL में जो लोग हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करें, ताकि उसमें से कम एक नाम कम हो, या फिर वो दूसरा पीछे से आगे की तरफ को आ सके, जिसे उसे जिस इंसान को फिर से उन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। तो इन्हीं कार्यों पे काम करना चाहूंगी। जैसे प्रधान जी हम शिक्षा की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में केरल को पछाड़ कर नंबर एक होने का दावा कर रही है। हम यहाँ निथर स्कूल की बात करते हैं, शहीद डोलाराम जी के नाम से इस स्कूल को चल रहा है और चलाया जा रहा है। शहीद डोलाराम जी ने जिसने अपनी आहुति दे दी कारगिल युद्ध में 1999 के अंदर, लेकिन अगर आज हम इस पाठशाला की स्थिति देखें, ये पाठशाला खुद शहीद होने के कगार पर है। यहाँ पर जब हमें प्राप्त जानकारी मिली कि कभी यहाँ पर एक क्लास में 120 छात्र हुआ करते थे, आज पूरे क्लास में पूरे स्कूल में 126 है, क्या करना चाहेंगे? आप अच्छे से जानते हैं कि सरकारी स्कूल का अगर आज स्तर घट रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि पहली बात वहां पे टीचर पूरे नहीं है, किसी भी स्कूल में आप देखेंगे तो वहां पे टीचर पूरे नहीं है। स्तर इस तरह से भी घट रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं एक प्राइवेट स्कूल उनको प्रोवाइड कर रहा है वो सरकारी स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमने पुरजोर, इवन मैं आपको बात बताऊं, मैंने इस कार्य पे भी कार्य किया है, हम लोग लोगों के साथ जाके, टीचरों के साथ जाके कई स्कूलों में हम लोग गए और हमने लोगों को जनसभाएं करवा के उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे ये जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं इन्हें बंद ना होने दें, बल्कि अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। आज क्या हो गया है कि प्राइवेट स्कूल की चकाचौंध देखकर सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि जो सुविधाएं एक प्राइवेट स्कूल दे सकता है वो सरकारी स्कूल क्यों नहीं, जबकि आपको मैं बात बताऊं कि सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल के लिए तो फैसिलिटी ज़्यादा होती है। तो फिर ऐसा क्या है जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में इतना अंतर आता जा रहा है और लोग जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ ही भेज रहे हैं? चाहिए तो ये है कि सरकारी स्कूल का स्तर इतना ज़्यादा ऊंचा हो जाए। मैं ये नहीं कहती, मैं प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में एक बात आती है कि भाई ये तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, कि वो दो शब्द इंग्लिश के नहीं बोल सकते क्योंकि वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो ऐसा क्यों? मैं ये चाहूँगी कि वहाँ पे जो टीचर क्या बोलते हैं, आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, वही सब्जेक्ट जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं वही सब्जेक्ट सरकारी स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, तो उस शिक्षा प्रणाली में जो अंतर है उसे खत्म किया जाए, उसकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, ताकि सरकारी स्कूल आज भी वैसे ही डेवलप रहे जैसे वो किसी टाइम में हुआ करते थे। जैसे प्रधान जी, आज हमारा जो समाज है वो किस ओर जा रहा है, अभी देखिए आप, जो हमारी युवा पीढ़ी है नशे की चपेट में आ रहा है, जो चिट्टा नामक ऐसे नशे यूज करते हैं जिससे कि एक बहुत ही जानलेवा नशा है, इस क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे आप? मैंने वैदिक जी स्कूल में जाके जब भी कोई फंक्शन हुआ है, कहीं भी गई हूँ, किसी भी स्कूल में गई हूँ, हमेशा इस टॉपिक पे बात की है, और एक जन सेवा संघर्ष समूह है, NGO है, और उसके साथ भी जुड़ी हूँ, जिज्ञासा फाउंडेशन है उसके साथ भी जुड़ी हूँ, और दोनों ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं जगह जगह स्कूल में जाके, पेरेंट्स से हम लोग पहले तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा प्राइवेसी मांग रहा है, हम नहीं कहते कि उसको प्राइवेसी मत दीजिए, दीजिए, लेकिन कम से कम उसको चेक भी रखें उस पर कि अगर वो प्राइवेसी ले रहा है तो उस टाइम वो क्या कर रहा है, उसके दोस्तों पर नज़र रखें। और स्कूल में जाके हमने ये बात सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के कही है
कि अपने बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आप जानते हैं चीटा एक ऐसा नशा है जिसकी गिनती उल्टी शुरू होती है, मतलब अगर आपको एक मेडिकली उसके हिसाब से, मैंने कहीं पढ़ा था कि इसकी सिर्फ 12 साल उम्र है, 12 साल आज से आपने शुरू किया, ये 12 साल तक आपको झेलेगा, 12 साल के बाद आपकी कोई वापसी नहीं है, उसके बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ युवा पीढ़ी से मेरी ये एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप इन नशे वाली चीज़ों को छोड़ के जो है अपना ध्यान उसके बजाय खेल कूद में लगाएं, और खेल कूद में जो है अपने आप को समर्पित रखें। ये जो नशे वाला क्षेत्र है, और सबसे बाकियों से भी लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में इस नशे को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करें। और ग्रामीणों को मैं ये कहूँगी कि ज़रूरत नहीं है आपको कि आप सिर्फ पुलिस वालों को लेके चले, आप खुद भी इतने सक्षम हैं कि इस नशे को रोकने के लिए आगे आएं। अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलता है और आप जीत कर आते हैं, सबसे पहला किस क्षेत्र में आप कार्य करना चाहेंगे? मैं आपको वैदिक जी ये बात बता चुकी हूँ कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो पहले मेरी तीन ही चीज़ें मैन रहेगी, एजुकेशन, हेल्थ, और ये हमारी जो सड़कें हैं जो गांव को जोड़ती हैं। इस वक्त मैं एक इंट्रोड्यूस होने जा रही हूँ, लोगों के बीच मुलाकात कर रही हूँ, तो मैंने कई जगह ऐसे हालात देखे हैं कि इस वक्त सेब का सीज़न शुरू हुआ हुआ है, सड़कें कम्प्लीटली टूटी हुई हैं, और लोग मजबूर हैं इस वक्त बहादुरों को दूर से ढोने के लिए, और बहादुरों के मनमाने रेट भी उनको मानने पड़ रहे हैं। कि मैं ये नहीं कहती वो भी बेचारे फॉरनर हैं, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं बगीचे का, आप लोग सब जानते हैं कि पहले बगीचे में वापिस लगाना पड़ता है, आपकी स्प्रे हो गई, आपके दवाइयाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आपको पहले बगीचे को उधर देना पड़ता है। तो अब जब आपको लेने का टाइम है, इस वक्त आप कैरिज में ही माने जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि ये तीन मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे पहले इन पे ध्यान देना चाहिए। प्रधान जी, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न, आने विधानसभा की जनता स्पेशली आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज घरों से बाहर आए, आप सक्षम हैं इस विधानसभा को चलाने के लिए, और अगर उस कुर्सी पे मैं बैठती हूँ तो वो ये मान के ना चले कि वहाँ पे सरोज बैठी है, बल्कि ये मान के चले कि वो स्वयं वहाँ बैठी हैं, एक माँ, एक बहन, जिनकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, शायद कोई और नहीं समझ सकता। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के तहत बिंद्रू देवी जी के बारे में सबने सुना होगा, और हमारे चेयरमैन श्री पंकज परमार जी वहाँ पे उनके लिए स्पेशली लाइट लेके गए, और अभी हम लोगों ने एक सोचा था कि हम लोग सब मिलके उनके लिए एक कमरा, एक किचन और बाथरूम बनाएंगे, लेकिन हालात देखिए कि उससे पहले ही वो जा चुकी हैं, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। और महिलाओं को मैं ये कहूंगी कि आप खुल के आए, फिर कोई बिंद्रू देवी इन सारी चीजों की शिकार ना हो, तो प्लीज मेरा साथ दें आगे बढ़ने में। थैंक यू। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं LNI गांव की गूंज, दिल्ली तक।